फिरे सुर्ख रंगों का समा है, तन्हाइयों से गुजरे हर दर्द का बयां है, हंसते उदास चेहरे, हंसते उदास चेहरे, ये सबका आईना है, ये पन्ने बिखरे पन्ने। सूरत का जिक्र भी है, चाहत भी कम नहीं है, मोहरत की फिक्र भी है, नसीहत भी कम नहीं है, जी भर के जी सके सब, कुदरत से ये दुआ है। ड्रॉपिंग नहीं, तुम्हारी वजह से जर्नी अच्छा रहा। बट व्हाट अ सरप्राइज, यू आर अ मॉडल एंड आई एम अ फोटोग्राफर, थैंक्स टू न्यूयॉर्क फैशन शो। एंड इन फ्यू आवर्स वी बिकेम फ्रेंड्स। या ऑफ कोर्स, आई एम अ कमर्शियल मॉडल एंड यू आर अ नेचर फोटोग्राफर। ही इज द डेस्टिनी है। बाय द वे, आप यहाँ पर कितने दिन रहोगे? 15 तारीख तक। सेंचुरी फिल्म का असाइनमेंट पूरा हो जाने के बाद वापस। काफी बिजी रहोगे? यस ऑफ कोर्स। और शेड्यूल क्या रहेगा? सेंचुरी के डायरेक्टर से मिल जाने के बाद ही तय हो पाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आई एम टॉम, आई सपोज अ रूम इज रिजर्व फॉर मी। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आपको जब भी फुर्सत हो आप मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। यू हैव माई टेलीफोन नंबर एंड एड्रेस विद यू। और वैसे भी आपके जैसे गेस्ट के लिए अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओह नो नो, आई एम नॉट अ गेस्ट। You don't know my parents are Indian, only I am an American by birth. इसलिए मैं हिंदी बोलता है। Do you get me, Suji? आपने तो मेरा नाम ही बिगाड़ दिया। मैं सुजाता हूँ। लेकिन तुम मेरे लिए सूजी हो। Please signature here, sir. Thank you. Welcome. खैर मैं आपके फोन का वेट करूंगी और आपको मेरे घर जरूर आना होगा। जरूर, तुम्हारे हाथ का बना इंडियन फूड जो खाना है। Oh sure, anytime. और मैं अपने हाथ से खुद बना के रखूंगी। Promise? Yeah, promise. Okay, bye. Bye. See you. See you. Take care. Be your key, sir. Okay, thank you. Welcome. Hello. Yeah, Tom speaking. Suji, कैसी हो? Tom, are you all right? रात को ठीक से नींद आ गई थी? यस यस थैंक्स। डायरेक्टर से बात भी हो चुकी है। दैट्स रियली ग्रेट। तुम कितने बजे निकल रहे हो? 10 बजे। नाश्ता करने के बाद सेंचुरी छाला जाऊंगा। तुम भी आ सकती तो कितना अच्छा होता। क्या तुम देर से आ सकती हो? बात में क्यों, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। टॉम, एक बैड न्यूज है। बैड न्यूज? 15 तारीख के बाद वो मैं नए घर में शिफ्ट कर रही हूँ। नए घर का पता नोट कर लो। देखो, नया पता मैं बाद में लिखूंगा, तुम अभी जल्दी से यहाँ चली आओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। ओके ओके। A room is reserved for me. Yes, sir. But it's a single room, sir. I'm sorry, madam के लिए तो कोई reservation नहीं है. But can she get an adjacent room, please? Let me check. Please. काम कर. काम तो कर रहा हूँ, sir. और अगर हमें दूसरा कमरा नहीं मिला तो? You can share my room. After all, we are good friends.
ये तो मैं भी कह रही हूँ कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं. You naughty. This is India. You don't have any choice. इस समय तुम लौट के छा भी नहीं सकती हो. Shut up. मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रही. नाराज होने की जरूरत नहीं है. मैं बाहर ही सो जाएगा. नहीं नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. आपके रूम के साथ वाले जो गेस्ट हैं, वो रात 3 बजे के बाद आएंगे. तब तक आप रेस्ट कर लीजिए सर. हो सकता ना भी आए तो कल से रूम आपका सर. थैंक गॉड. बट हाउ वेरी अनलकी. सर को छोड़ के. मैं छोड़ क्या हूं? मैं छोड़ क्या हूं? मैं ही चला जाऊंगा. सर ये आपका बैग बड़ा भारी है, इसमें है क्या? सामान है. ओ सामान. टॉम, तुम्हें इंडिया पसंद है कि अमेरिका? इंडिया? ये तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो या सचमुच? देखो सूजी, मैं कभी झूठ नहीं बोलता. आई सी. वैसे भी तुम राजा हरिश्चंद के खानदान से जो हो. हु? हरिश्चंद? रहने दो. बट व्हाई? थोड़ी हाई फाई लेवल की बातें हैं टॉम, तुम्हें समझ नहीं आएगा. हाई फाई? अच्छा बाय द वे, तुम्हें हमारी कंट्री पसंद क्यों है? Good question. I like this question. Question only, Tom. Okay, Sujata. Sujata. Suji bolo. Okay, Suji. मुझे ये इंडिया इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पर मेहमान लोग का बहुत अच्छी तरह से स्वागत होता है. ये तो तुमने ठीक कहा. हम यहाँ पर अपने मेहमानों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं. You mean God? और हम अपने मेहमानों से किया वादा भी मरकर पूरा करते हैं. How very nice. और हाँ, हम अपने मेहमानों के लिए कॉफी भी हमेशा तैयार करके रखते हैं. कॉफी? इंडिया? ये बीच में कॉफी कहाँ से आ गया? वो इसलिए आ गया कि भोलू राम ने हमारे लिए कॉफी बना के रखी होगी और हम लोगों को चलना चाहिए. ओह भोलू राम, वो दैट फनी कैरेक्टर. यस. ऑलवेज सस्पिशियस. हाँ, वो इसलिए कि वो बचपन से ही ऐसा है. वो हर एक पे शक करता है. लेकिन टॉम, वो दिल का बहुत साफ और बहुत अच्छा है. ओह हाउ वेरी इंटरेस्टिंग. लेट्स गो. आई मीन लेट्स गो प्लीज. मैं के गई हटिया हमारी खड़ी कर गई. क्या है? कुछ नहीं, आदत है मैम साहब. कॉफी. पहले जाकर सांप को देकर आओ. लेडीज फर्स्ट. शट अप बोलू. कहीं इसने इसमें शहर तो नहीं पिला दिया? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कॉफी तो मैंने खुद बनाई थी. नहीं नहीं, आप जहर भी मिला सकती. क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, साहब के पास जा रहा हूँ कॉफी देने के लिए. जाओ. गालों को पीछे करो. यस लाइक दिस. या बेंड डाउन लिटिल बिट. यस. या दिस इज ब्यूटीफुल. अनदर वन प्लीज. या सेम स्पॉट. साहब आप किसका फोटो खींच रहे हैं? बोलू, तुम शक्की होने के साथ साथ अंधा हो गया क्या? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मेम साहब का फोटो ले रहा हूँ. साहब कॉफी. मेम साहब को दो पहले फटाफट. नहीं साहब, मेम साहब को दी थी लेकिन वो कहती है पहले साहब को दो. तो मेम साहब के पास किधर गया? क्यों सूजी, तुम्हारे पास आया था? देखा मेम साहब बोल रही है ना, नहीं आया था तुम. चल दो मेम साहब को. मेम साहब को दू? यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्या हवा में छोड़ दू? बोलो जल्दी करो, टाइम नहीं है. साहब वो कॉफी ठंडी हो गई, मैं जरा गर्म करके दोबारा से लेके आता हूँ. ओके डू इट फास्ट. कमाल है, ये अंग्रेज का बच्चा अपने आप को समझता क्या? इससे बढ़िया तो अपनी मेम साहब है, कम से कम कंफ्यूज तो नहीं करती अपने को. ठीक है ना टॉम, दैट्स बेटर. दूसरा एंगल. ठीक है ना टॉम, इस साइड चले. दूसरी साइड टॉम. टॉम इधर तो टॉम साहब उधर. या फेस मी. या दैट्स फाइन. मेम साहब इधर, मेम साहब उधर. वो मैं क्या. मेम साहब आपका फोटो टॉम साहब खींच रहे हैं ना?
तुम्हें कोई शक है क्या? नहीं शक क्यों, ये देखो ये खड़े टॉम साहब कितने अच्छे लग रहे हैं, कैमरा लिया है, कैसे फोटो खींच रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा है टॉम। टॉम हम लोकेशन चेंज करते हैं, कॉफी बाद में पी लेंगे। कमाल है भाई, आज तो मुझे अपने आप पर भी शक होने लगा है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, बेवकूफ। नहीं नहीं, मैं बेवकूफ क्यों होने लगा, पर लगता है इन लोगों के साथ रहा तो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, अब मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। हाँ, किस तरह से वो बंदर उछल के ऊपर चढ़ा था ना। आई लव इंडिया, इंडिया इज ग्रेट। टॉम, तुम्हें देखकर अब सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर आकर बहुत खुश हो। जिसके साथ तुम्हारे जैसा वेलकम करने वाला फ्रेंड हो वो तो खुश होगा ही ना। टॉम, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए ही तो वापस आई हूँ, क्यों भोलू? थैंक्स सूजी। अच्छा बोलू? अच्छा जी। बोलू, मैं तुमको जाने के लिए नहीं बोला है, कल हमको वापस उसी जगह पर जाना है, इसलिए तुम तैयार रहना। नहीं साहब, कल मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम? हमें आज से अपना कल साफ साफ दिखाई देता है, और जो दिखाई नहीं देता था ना, अब तो वो भी दिखाई देने लगा है साहब। अच्छा, हम कुछ नहीं जानता है, हमने तुम्हारे बॉस से बात कर लिया है, तुमको चलना ही होगा। लेट्स गो सूजी। बॉस से बात कर लिए, यानी उस टीचर मैनेजर से बात कर ली है, कहीं षड्यंत्र में उस मैनेजर का हाथ तो नहीं? नहीं नहीं, वो कैसे हो सकता है, वो तो वहां गया ही नहीं था। फिर किस पे शक करूं, किस पे शक करूं कि... नहीं नहीं, मैं अपने आप पर कैसे शक कर सकता हूं, मैं भला कैसे हो सकता हूं? नहीं नहीं, मैं नहीं हो सकता। आई 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 आई, मुझे तेरी याद आई। पहले अगर सांप को दूंगा तो सांप कहेंगे पहले मेम साहब को दे के आओ, तो क्यों ना पहले मेम साहब को ही देकर आऊं। कल इन दोनों ने मिलकर मेरे को बड़ा बेवकूफ बनाया, मगर आज नहीं बनूंगा, आज तो मैं बनाऊंगा। लिटिल मंकी, नाइस शॉट, अब इस एंगल से लगता आज फिर बेवकूफ बनूंगा। नहीं नहीं, मेम साहब, साहब कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं साहब, मैं साहब का नहीं बंदर की फोटोग्राफ खींच रही हूँ, टॉम साहब तो वहाँ बैठे हैं। स्टुपिड, मैं सब कॉफी साहब को दी। हाँ जी, आप तो पहले लेके आया हूँ। एक मिनट, क्यूट। जाओ, ये जरा पास से लेना चाहिए। मेरे साहब कितनी अच्छी है। नहीं नहीं, हमें क्या, साहब को देखते बड़े 30 मार खा समझते थे अपने आप को, मगर आज हमारी होशियारी देखकर लगेगा इनको कि भोलू राम भी कोई चीज है। साहब कॉफी सिर्फ एक, मेम साहब को दी। हाँ जी, देकर आया हूँ जी। तुमको कॉफी दी? नहीं टॉम, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ पे बैठी हूँ। बोलू, आज तुमने पी रखी है क्या? नहीं साहब, इसे पकड़ लीजिए वरना गिर जाएगी। लगता है आज इसकी तबीयत खराब है। इसने कल बोला था किसका तबीयत खराब होगा, यहाँ का आदमी भी अजीब है, इसको आने वाले काल के बारे में पहले से पता लग जाता है। कमाल है, इंडिया इज ग्रेट। जुल्फे ये शरबती आ, ये साहब अलमारी में क्या ढूंढ रहे हैं, कहीं मेम साहब को तो नहीं ढूंढ रहे? नहीं नहीं, मेम साहब को तो भी बात देखा था मैंने, पर शक की कोई वजह भी नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वो जो तस्वीरें आपने डेवलपमेंट के लिए दी थी वो आ चुकी है। ट्रे में लेके आया? यस सर, अपना स्टाइल भी कुछ ऐसा है। वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए जरा।
नहीं, खड़ा हो जाता हूँ। नहीं, बैठ के तो बैठे रहो। ठीक, नहीं सर, खड़ी ठीक है। तुम क्या देख रहे हो? सर, मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं तो तुम्हारा कोई फोटो नहीं खींचा था। नहीं सर, आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब? कुछ नहीं हो सकता। बोलो, इस फोटोग्राफ में तो सूजी भी था ना? सर, मैंने कुछ नहीं किया, फोटो आप ही ने खींचे थे। स्टुपिड, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब मैंने इस फोटोग्राफ में सूजी को भी खींचा था। यहाँ थी सूजी मेम साहब, मेरी एक बात मानेंगे? क्या? सूजी मेम साहब भूतनी है। भूतनी? ये भूतनी क्या होता है? अब भूतनी साहब, भूतनी होती है भय, उनकी मात्रा तय और नी भूतनी। You mean ghost? ghost? तभी तो वो हमेशा सफेद कपड़े पहनती है। देखना साहब, आज रात को वो चली जाएगी आपको छोड़कर। तुम भी कैसे मालूम? मुझे मालूम है शब, क्योंकि उसकी पोल खुल चुकी है। नहीं, वो मुझको ये फोटोग्राफ्स देने आया था। फोटोग्राफ्स? टॉम, टॉम, तुम भूतों पे विश्वास करते हो? भूतों पे? हाँ। भूतों पे मैं क्यों विश्वास करने लगा? लेकिन सूजी, इस फोटोग्राफ में तो तुम भी थी ना? इस फोटोग्राफ में मैं? इस फोटोग्राफ में मैं कैसे हो सकती हूँ? क्यों? वो इसलिए कि ये फोटोग्राफ मिस्टर टॉम ने ली थी, और जब ये फोटोग्राफ मिस्टर टॉम ने ली है तो मैं इस फोटोग्राफ में कैसे आ सकती हूँ? देखो सूजी, तुम मेरे प्रोफेशन पे शक कर रही हो। टॉम, तुम इतनी छोटी सी बात का बुरा मान गए? मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तो यहीं पर हूँ, कल हम लोग फिर से चलेंगे और फिर से तुम फोटोग्राफ खींच लेना, और कल जो फोटोग्राफ खींचोगे उसमें मैं जरूर आऊंगी। रो रूप की रानी, पर मैं इन पर शक क्यों कर रहा हूं? शक की कोई वजह तो होनी चाहिए, और इस शक की तो कोई वजह भी नहीं है। ओ, मेरी तो आदत ही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो क्या हाल है? ठीक है सर, कॉफी लाया था आपके लिए। थैंक्स। देखा सर, मेरा शक सही निकला ना, नीम साहब आपको छोड़कर चली गई। यू मीन सूजी हैज लेफ्ट? लेफ्ट? यू मीन चली गई? Yes, चली गई। या लेफ्ट। उसको तो जाना ही था साहब, क्योंकि उसकी पोल जो खुल गई थी कल। साहब, मेरा कहा माने तो आप एक बार उसके घर जाकर देखिए, आखिर ये चक्कर क्या है। आज तारीख क्या है? 15 तारीख है। 15? हाँ सर, 14 के बाद तो 15 ही आती है। 15 तारीख के बाद वो मैं नए घर में शिफ्ट कर रही हूँ। तब तो मुझे सूजी के घर जाना होगा। गुड
सुरभि पीछे से मेरे एंट्रेंस तो एक हाल से यार मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो लेकिन मैं तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए टॉम तुमने आज यहाँ आकर मेरे इस जन्म का मकसद हल कर दिया है अब मैं अपने नए घर में आराम से जा सकती हूँ नया घर हाँ टॉम पहले तुम अंदर चलो अंदर चलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी वहाँ नहीं टॉम वहाँ नहीं तुम्हारे घर का मेन एंट्रेंस तो इधर से है लेकिन मेरा कमरा पीछे है जिसका रास्ता वहाँ से है ओके टॉम कैसी लगी स्वीट डिश अच्छा लगा तुम्हारे हाथ का बना स्वीट इतना अच्छा हो सकता है मैं सोच भी नहीं सकता था थैंक यू टॉम तुम नाश्ता करके बाहर गार्डन में आ जाना क्यों मेरे जाने की वजह से कोई पार्टी वगैरह है क्या नहीं आज मैं ये घर छोड़कर नए घर में जा रही हूँ इसलिए कुछ लोग जमा हुए हैं ओह तुमने मुझे फोन पे बताया था खैर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो तुम्हारे नए एड्रेस पर जरूर आऊंगा टॉम ये लो मेरा नया पता थोड़ी देर बाद में तुम्हें इसी पते पर मिलूंगी तुम जल्दी से नाश्ता कर लो और नीचे आ जाना गार्डन में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं चलूं टॉम बाय देवा भद्रम ओमी से यम सदेव वह सबिता प्रापय तो श्रेष्ठतमाय कर्म आप्याय स्वभग्ना इंद्राय भागम प्रजापती रनमी भयस्मा मावस्तीनी शतमा असगुं सोध्रवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहिर्जगमान सपशुन् पाहि स्वाहा अग्निहे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम् होतारं रत्नधातम ओम अग्न आया हीतये गृहानो वन मिनट क्या बात है भाई साहब आप किसे तलाश कर रहे हैं सूजी कहाँ है सूजी कौन सूजी वो जो यहाँ रहती है उस घर में रहती है देखिए भाई साहब ये घर सुजाता का है सुजाता उसको मैं सूजी बोलता उससे कह के आई थी आपके पास आ रही है कब कहा था उसने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले क्या ये कैसे हो सकता है अंकल बिलीव मी मेरे साथ जीवो अभी थोड़ी देर पहले बेटा जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है मेरी सुजाता को मरे हुए आज पूरे 13 दिन हो गए हैं लेकिन ये कैसे हो सकता है वो पिछले 13 दिनों से मेरे साथ थी बेटा मैं सुजाता का पिता हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं रही नहीं रही अंकल आई एम टॉम मैं सुजाता का फ्रेंड उसने अभी अभी मुझको नाश्ता कराया था अपने हाथ से बना के अरे हमारे सामने तो कोई नहीं गया घर में वो मुझे पीछे के दरवाजे से ले गई थी बेटा अमेरिका से इंडिया आते वक्त एयरपोर्ट से आते टाइम सूजी का कार एक्सीडेंट हो गया पर अंकल सूजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं सूजी जिंदा है वो मरी नहीं है बेटा काश ऐसा होता लेकिन बेटा ऐसा नहीं है वो मर चुकी है सूजी अंकल उसने मुझे एक पेपर दिया था उसमें उसने अपना नया पता लिखा है
उसका पता राइटिंग पहचानते हैं ना, नाउ यू कैन बिलीव मी। हाँ बेटा, लिखावट तो मेरी बच्ची की है, लेकिन मेरा नया पता है शमशान। टॉम, तुमने आज यहाँ आकर मेरे इस जन्म का मकसद हल कर दिया है। टॉम, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए ही तो वापस आई हूँ। हम अपने मेहमानों से किया वादा भी मरकर पूरा करते हैं। अंकल, आप ठीक कहते हैं, सुजी मर चुकी है। ओ सुजी, तुमने ठीक कहा था कि यहाँ पर लोग मेहमान से किया हुआ प्रॉमिस मरकर भी निभाता है, और तुमने भी ऐसा ही किया। सुजी, यू आर ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। सुजी, Thank you.